my dear students. My name is Vaishali and I am your English language trainer. Welcome to my YouTube channel New Urban Computer Classes. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास होगी यूज ऑफ कैन, कैन का यूज करना। ठीक है, कैन का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और किन वाक्यों में करते हैं, कैन से क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और कैन का क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया तो हम उसका आंसर किस तरह से देंगे, तो ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए, कैन जो होता है, कैन की जो हमारी मोस्टली पहचान होती है वो पहचान ये है कि सकता है, शक्ति है। क्या आ जाए, सकता है, शक्ति है। अगर इन दोनों में से कोई भी आ रहा है तो उन सेंटेंसों में हम कैन का यूज करना है। किसका यूज करना है, कैन का। वेरी गुड। कैन का यूज, जो हमारा कैन है ये एक हमारा मॉडल है, मॉडल मतलब विभक्ति है। ठीक है, तो कैन का यूज हमें सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए करना होता है। और सिंपल सी बात, हम ये बोल दें या फिर जहां पर हमें अपनी एबिलिटी बतानी होती है, ठीक है, जहां पर अपनी एबिलिटी बतानी होती है, क्षमता बतानी है, योग्यता बतानी होती है, वहां हमें कैन का यूज करना होता है। लाइक इज आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, आई कैन डू एक्सरसाइज, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हमें अपनी योग्यता बतानी होती है, एबिलिटी बतानी होती है, क्या कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो सब मैं कैन का यूज करके आई कैन एक्शन करके हम उस तरह से अपने सेंटेंस को बोलेंगे। तो आइए गाइस, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम उसको सेंटेंस को यूज करना है, सेकंड पर्सन से हम किस तरह से करते हैं। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच इट टिल लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, यूज ऑफ कैन, कैन का यूज अपनी एबिलिटी बताने के लिए हमें कैन का यूज करना होता है। ओके, योग्यता जहां पर हम बताना चाहते हैं वहां हम कैन का यूज करेंगे। देखिए, एग्जांपल है, आई कैन डू बंजी जंपिंग, आई कैन डू बंजी जंपिंग, कैन यू डू बंजी जंपिंग, मैं बंजी जंपिंग कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो। तो यहाँ भी बंजी जंपिंग मतलब संभव हुआ, जिससे वो मंजिले पार कर जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से मंकी करते हैं। ओके, जो हाई स्पीड में करते हैं वो सब हमारी बंजी जंपिंग होते हैं, उसको आई कैन डू बंजी जंपिंग। ओके, कैन यू डू बंजी जंपिंग, कैन यू डू, हमें सेकेंड पर्सन से क्वेश्चंस करना है तो हम कैन को बाहर निकालेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में बोलेंगे कैन यू डू बंजी जंपिंग। तो क्या आंसर, नो आई कांट डू बंजी जंपिंग बट मंकी कैन डू इट, नहीं मैं नहीं कर सकती बट मंकी कर सकती है। ओके, नो आई कांट डू बंजी जंपिंग बट मंकी कैन डू इट। ओके, एक बार ट्राई करते हैं, आई कैन डू बंजी जंपिंग, अपने बारे में बताना है तो आई कैन, ठीक। एंड हमें सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, कैन यू डू, कैन यू, एंड एक्शन लगानी है आपको, हमारी एक्शन है डू बंजी जंपिंग, कैन यू डू बंजी जंपिंग, नो आई कांट डू बंजी जंपिंग बट मंकी कैन डू इट, मैं तो नहीं कर सकती बट मंकी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने अपने बट लगा के उसमें पॉजिटिव भी आंसर दे दिया और नेगेटिव भी आंसर इस तरह से हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए, सेकंड एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश, हमें सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है, कैन से क्वेश्चन करेंगे, कैन यू, ओके, कैन यू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, या आई कैन स्पीक इंग्लिश बट माय अंकल कांट डू इट, बट माय अंकल कांट डू इट, लेकिन मेरे जो अंकल है वो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर देंगे। Yes, I can speak English. हाँ भाई, मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, बट माई अंकल, मतलब इतने चाचे हैं, बट माई अंकल कांट डू इट, वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर देना है, तो यहाँ बोलिए कांट, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, बट माई फ्रेंड कैन डू इट, यानी मैं तो नहीं कर सकती लेकिन मेरी फ्रेंड है वो कर सकती है। इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर दोनों को ऐड करके दे देंगे। तो यहाँ हमने जो है कैन का यूज कर लिया, सब अपने अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, हाँ एबिलिटी बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और सेकंड पर्सन को करना है, हमें सेकंड पर्सन को बोलना है क्या तुम ये कर सकते हो, तो हम कैन यूज से क्वेश्चन कर देंगे। गाइस स्टूडेंट्स, कुछ एक्शन देखते हैं, ये हमारी एक्शन है ड्रॉ द स्केच, ड्रॉ द स्केच, मतलब कोई भी स्केच को ड्रॉ कर देना। ठीक, प्रिपेयर पिज्जा, पिज्जा प्रिपेयर करना, सॉल्व एनी पजल, कोई भी पजल को सॉल्व करना, किसी भी पहेली को सॉल्व कर देना,
फाइट विद खली, खली के साथ लड़ना। बाय ताजमहल, ताजमहल खरीदना। टेक लीटर, लीकर पीना शराब। प्ले पियानो, पियानो बजाना। मिमिक अमिताभ, अमिताभ की नकल करना। ओके, मिमिक अमिताभ, अमिताभ की नकल करना। स्किप द रोप, रस्सी कूदना। और रस्सी कूदते इस तरह से उसको हम बोलेंगे स्किप द रोप, रस्सी कूदना। रोप मिस हुआ रस्सी, एंड स्किप मिस हुआ कूदना। स्टडी फॉर 10 आवर्स एट अ स्टेज, लगातार 10 घंटे पढ़ाई करना। लगातार 10 घंटे पढ़ाई करना बिना रुक के, तो हम क्या बोलेंगे स्टडी फॉर 10 आवर्स एट अ स्टेज। ओके, अब हम इन एक्शंस को अपने एग्जांपल के थ्रू यूज करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट एक्शन में ड्रॉ द स्केच। आई कैन, हमें अपने बारे में बताना है। अपने बारे में बताए तो हम आई कैन का यूज करेंगे, एंड अपनी एक्शन आई कैन एक्शन। ठीक, आई कैन ड्रो द स्केच, आई कैन ड्रो द स्केच, मैं स्केच ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं सेकंड पर्सन से कंफर्म कर रहा है, कैन यू ड्रो द स्केच, आई कैन ड्रो द स्केच, कैन यू ड्रो द स्केच। हाँ, नो आई कांट ड्रो द स्केच, बट माय सिस्टर कैन डू इट, बट माय सिस्टर कैन डू इट, सॉरी कैन यू बोले कैन, बट माय सिस्टर कैन डू इट। एक बार देखो, आई कैन ड्रो द स्केच, कैन यू ड्रो द स्केच, नो आई कांट ड्रो द स्केच, बट माय फ्रेंड या बट माय सिस्टर कैन डू इट। यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पर्सन को एड करके बोल देना है। सेकेंड है हमारी एक्शन प्रिपेयर पिज्जा, आई कैन प्रिपेयर पिज्जा, कैन यू प्रिपेयर पिज्जा, नो आई कांट प्रिपेयर पिज्जा, बट माय मदर कैन डू इट, कैन डू इट बोल दीजिए। या फिर यहाँ पर आप अपनी एक्शन भी एड कर सकते हैं, बट माय मदर कैन प्रिपेयर पिज्जा। इस तरह से आप अपनी एक्शन भी बोल सकते हैं या बोल दो, सिंपल बोल दो, बट माय मदर कैन डू इट, कैन डू इट, इट में ही आपकी एक्शन आ जाएगी। थर्ड हमारी सॉल्व एनी पजल, आई कैन सॉल्व एनी पजल, कैन यू सॉल्व एनी पजल, यस आई कैन सॉल्व एनी पजल, बट माय ब्रदर कांट डू इट। ओके, फाइट विद खली, फाइट विद खली, आई कैन फाइट विद खली, कैन यू फाइट विद खली, नो आई कांट फाइट विद खली, बट वन ऑफ माय अंकल कैन डू इट, एक मेरे चाचा जी हैं जो कर सकते हैं, यानी जो खली के साथ लड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपने कैन और कांट करके बोल देंगे। फाइव हमारी बाय ताजमहल, आई कैन बाय ताजमहल, कैन यू बाय ताजमहल, नो आई कांट बाय ताजमहल, नहीं मैं ताजमहल नहीं खरीद सकती, तो क्या बोलेंगे नो आई कांट बाय ताजमहल, बट आई कैन बाय अ बंगलो, मैं ताजमहल नहीं खरीद बट एक बंगला खरीद सकती हूँ। इस तरह से आप अपने ही बारे में दोनों एबिलिटी बता सकती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में ही नेगेटिव आंसर दें, दोनों ही आंसर के बारे में बोल सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कर सकती बट ये कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक्शन चेंज कर लेंगे और कांट कैन में आंसर दे देंगे। एंड सिक्स वाइज टेक लीकर, ठीक है, आई कैन टेक यू, कैन यू टेक लीकर, प्ले पियानो, आई कैन प्ले पियानो, कैन यू प्ले पियानो, मिमिक अमिताभ, आई कैन मिमिक अमिताभ, कैन यू मिमिक अमिताभ, स्किप द रोप, आई कैन स्किप द रोप, कैन यू स्किप द रोप। इस तरह से हम अपने बारे में बताएंगे, फिर सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर लेंगे। आई कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स एट अ स्टेज, कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू इट, इट में ही आपकी एक्शन एड हो जाएगी, इट में ही आपकी एक्शन एड है, तो यहाँ आप इट बोल दीजिए या अपनी एक्शन यहाँ पर बोल दीजिए, बात नहीं है। इस तरह से हम अपने कैन का यूज कर लेंगे, तो कैन का यूज हुआ वो हमें अपनी एबिलिटी बताने में हमने कैन का यूज कर लिया, जहां ना अपनी एबिलिटी बताना चाहते हो हमने कैन का यूज करके बताया, और हमें सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना तो हमने कैन का यूज स्टार्टिंग में कर दिया। इस तरह से हम अपने कैन का यूज सीख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही हो, और अगर आपको इसमें से कुछ भी कॉपीराइट करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपीराइट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैन का यूज समझ में आया हो, और अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।